नमस्कार, प्रणाम। सभी सहारा इंडिया निवेशकों एवं जमाकर्ताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नई वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापत और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। हमारे जितने भी सहारा के जमाकर्ता बंधु हैं, काफ़ी दिनों से अपने पैसे को लेकर परेशान हैं। दोस्तों, हम लोगों ने बताया था कि अप्रैल का महीना जैसे ही स्टार्ट होगा, अप्रैल में बहुत कुछ नया होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ नई बातें आपको सुनने को मिलेंगी, हमारे द्वारा नहीं बल्कि एक वीडियो क्लिप के द्वारा। काफ़ी इम्पोर्टेंट एवं मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के लिए रहने वाला है। आप में से जिन लोगों का भी पैसा सहारा इंडिया के अंतर्गत फंसा हुआ है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई जा रही हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को अभी ही लाइक कर दें। दोस्तों, हम आपका समय न वेस्ट करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं और यहीं से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दो दिन नहीं हुआ, कार्यालय में हमारे इंटरनल व्यवस्थाओं को लेकर कुछ सर्कुलर्स आते हैं, तो जो भावनाओं से दिवंगत हो गए हैं सहारा के कार्यकर्ता, वो उस चीज को लेके सोशल मीडिया पर डाल रहे। मेरे को यह समझ में नहीं आया, जो दिवंगत लोग हैं उनके मेल पर आया और उसको ले जाके यूट्यूब पर यूट्यूबरों के हाथ में, शुक्राचार्य के फॉलोअरों के हाथ में दे देने का क्या मीनिंग निकला। और वैसे यूट्यूबर जो हमारे इंटरनल सर्कुलर को बना के अपना रोजी रोटी चलाने के लिए ये जो कुकृत कर रहे हैं, उनको कौन देख रहा है? ये क्या कर रहे हो आप लोग? अरे, हमारे अंदर हम क्या, आप ये कहना चाहते हो कि हम किसी से संवाद न करें, हम अपने परिवार से मेल जोल न रखें, हम अपने परिवार में अपनी बातों को न रखें, अपने परिवार की बातों को न सुने, उसको भी आप सोशल साइट पर लाओगे? इतनी धूर्ता धूर्त मैंने धूर्त हो गए हो आप लोग, इतने अनपढ़ और गंवार हो गए हो आप लोग, जो सोशल साइट पर यूट्यूब बना के अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए, सहारा इंडिया ही परिवार एक मिला था आपको आपका घर का चूल्हा जलाने के लिए, यानी कल का डेट में हम तो बाउंस बैक करेंगे, फिर आपका चूल्हा जलेगा कैसे? कैसे चूल्हा जलेगा, कभी विचार कीजिएगा। मैं आपका ही तैसी हूं, आपका दुश्मन नहीं हूं, अभी भी और मौका है, अवसर है, अवसर को पहचान लीजिए। अवसर उड़ गया, यानी सहारा इंडिया परिवार कल आए बाउंस बैक हो जाएगा, तो वह अवसर तो निकल चुका रहेगा आपका, फिर हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए अभी भी वक्त है, क्रिएशन में आई, क्रिएटर बनिए, प्रॉब्लम क्रिएटर मत बनिए, सॉल्यूशन क्रिएटर बनिए। अपने घर चलाना है तू, हमारी चिंता न करे। जो सहारा इंडिया परिवार में जीवंत हैं, उनके लिए आप चिंता न करें, और जो सहारा इंडिया से दिवंगत हो गए हैं, उनके बारे में ये जो धूर्तता पूर्वक कार्य कर रहे हैं, अभी मैं शुक्राचार्य के बारे में बताऊंगा आप सभी को, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। आज का वीडियो देखिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपने सम्मानित निवेशक तक अवश्य पहुंचाइए। क्या मतलब है भाई, पूरा भी जो है कि पूरे दुनिया में ऐसे ऐसे बहुत सारे विषय हैं जहां पर आप रिसर्च करके अपना यूट्यूब को जो है कि एक अच्छा सब्सक्राइबर का श्रेणी में ले जा सकते हैं, अच्छे आप उसके व्यूअर बढ़ा सकते हैं, अपनी अच्छी आय बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि निगेटिव बातों को रख के क्षणिक लाभ लेना चाहते हैं, कौन पूछेगा आपको? कोई नहीं पूछेगा, नाम मिट जाएगा। ऐसे ऐसे लोग, दो गिनहा लोग जो है सहारा में, अभी तक उनको अपन जो आज सहारा से दिवंगत हो गए हैं, वो लोग यूट्यूब बना रहे हैं, सहारा से दिवंगत, भावनाओं से दिवंगत हो गए, वो लोग यूट्यूब बना रहे हैं।
उनको अपना जब सहारा में थे तो उनसे कैडर का नाम पूछा जाता, किस कैडर में है तुमने, तो बोलते थे 2, 4, 12, 13, 9, 8 माने, तो शॉर्ट फॉर्म बोलते थे उनको अपने कैडर का, जैसे PFM R1 अब उनको डिस्क्राइब करने के लिए कह दिया जाएगा तो उनका वो फुल फॉर्म भी नहीं बता पा रहे, उस समय भी नहीं बता पा रहे थे। आज वो यूट्यूब के बहुत बड़े योद्धा के रूप में अपने को स्थापित कर रहे हैं। लगता है उनको ऐसा लग रहा है कि भारत के जो हमारे जनमानस, जो हमारे नागरिक हैं या हमारे सम्मानित निवेशक हैं, उन्हीं के तरह से मूर्ख हैं, ऐसा वो मानते हैं। तो ये मूर्खतापूर्वक हरकत कर रहे हैं। ऐसा मूर्खतापूर्वक हरकत से बचिए और अपने लाइफ को बचाइए। सहारा के लाइफ को बचाने की आवश्यकता नहीं, सहारा के लाइफ को मत बचाइए, आप अपने लाइफ को बचाइए। क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद आप वेंटिलेटर पर जाएंगे, अब वेंटिलेटर पर जाने के बाद आपका पोस्टमार्टम हो जाएगा, यानी पोस्टमार्टम हो जाने के बाद तो खत्म हो जाता है, आपको कौन पूछेगा, आपका कौन यूट्यूब देखेगा। इसलिए एक बिना मांगी हुई सलाह, वो भी मुफ्त में, बिना मांगी हुई सलाह आपको मुफ्त में दिया जा रहा है कि भारत में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सामाजिक क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में है, और बुनियादी क्षेत्र में है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में है, और एटमोस्फेयर है, स्पेस है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। सर आप बोलिएगा तो हम आइए, आप हमसे कभी आ जाइए, हमसे बात कर लीजिए तो हम आपको सब्जेक्ट दे देंगे। इस सब्जेक्ट पर रिसर्च करके यूट्यूब बनाइए जो भारत का कल्याण हो। शिक्षा के क्षेत्र में जाके इनोवेशन कीजिए, शिक्षा के क्षेत्र पर यूट्यूब पर कुछ बना के डालिए कि आपका यूट्यूब देख के कुछ लोग फॉलो करें, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा जो है कि दिखाएं, पढ़ाएं कि नहीं 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 22 भी होता है, और 2 और 2 0 भी होता है, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी था, आयुर्वेद जो है उस क्षेत्र में भी आपके पास अगर जो अच्छी नॉलेज है उस पर रिसर्च करके कुछ बनाइए आप। माने हम आपको विषय बता रहे हैं, आपका रोजी रोटी चले, आपका घर का चूल्हा जले। आज जो सहारा के कारण आपका चूल्हा जल रहा है, वो चूल्हे में बहुत जल्दी पानी पड़ने वाला है, एक पड़े और तब चूल्हा बुझ जाएगा। और यूट्यूब पर है आप अगर वो ये जो शुक्राचार्य वाला हरकत कर रहे हैं, तो कल के डेट में बाउंस बैक हम कर रहे हैं, तो आपका चूल्हा कैसे जलेगा, तो क्या कटोरा लेके घूमेंगे। तो आप अपने को प्रतिष्ठापित कर लिए है ना कि मैं यूट्यूबर हूं, बहुत स्टाइल से बोलते हैं यूट्यूब पर, कंटेंट बहुत अच्छा रहता है। और कंटेंट के अंदर क्या है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ऊंची दुकान फीकी पकवान, यूट्यूबर, सोशल मीडिया का गलत जो है कि उपयोग करके आप अपने को प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं। सहारी अंत दिल में थूकते हैं हम आपको, कोई भी सहारा का साथी भले आज परेशान है, भले वो आज काम नहीं कर पा रहा, आज दुखी है, पीड़ित है, लेकिन आपके कृत्य पर थूकता है। अभी भी समय, अपने आप को सुधार लीजिए, बेहतर होगा। गलत इंफॉर्मेशन देके आप भारत के जनमानस के भावनाओं के साथ खेलने का जो ये माने परिणाम आपके लिए अच्छा नहीं, आपके लिए नहीं अच्छा। हम आपको फांसी पर चढ़ाने वाले कौन, लेकिन आप अपने मृत्यु का सामान, अपनी मृत्यु सस्या आप तैयार खुद कर रहे हैं, अपनी अर्थी आप स्वयं तैयार कर रहे हैं। अरे अर्थी का मतलब ये हुआ कि आपका रोजी रोटी, आप अपने मरने का सामान इकट्ठा कर लिए हैं। सहारा का चैप्टर में भीख मांगने पड़ जाए, भीख भी नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे यूट्यूबर साथियों को बोलूंगा कि भारत में ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसको लेके आप उठाइए और अपने परिवार की आजीविका का आदर्श साधन अपनाइए। अपने परिवार की आजीविका के लिए कोई आदर्श आइडियल वे पर जाए। क्या मतलब, क्या समझाना चाहते हैं आप लोग यूट्यूबर, आप क्या समझाना चाहते हैं भारत के, विशेषकर हमारे सहारा इंडिया परिवार के निवेश को क्या बताना चाहते हैं? कोई बात आपकी सच हुई है, कोई एक बात कहीं से भी एक बात आपकी सच
शक्ति है। केवल असत्य का जो है कि प्रसाद बांट रहे हैं, जादूगरी ये जो कर रहे हैं ना, हिपोटाइज कर रहे हैं ना, आप उसी माया जाल में जो है फंस गए, क्योंकि आपको सहारा सबसे आसान विषय मिला, शॉर्टकट मिला। ये मालूम नहीं है कि कल कटोरा भी आपको पकड़ना है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो लिख के रख लीजिए, और अभी भी समय, अपने आप को विषय को बदलिए और अपने जीवन को सुंदर से सुंदर महानतम बनाइए। कौन रुका? हम लोग यूट्यूब बनाने से आपको रुक रहे हैं, लेकिन विषय आप कॉन्टेंट चेंज कीजिए ना भाई। आप सहारा के फेवर में या सहारा के कार्यकर्ता की पीड़ा को निगेटिव वे में क्यों रखते हैं? मैं भी सहारा का कार्यकर्ता हूं, मेरे साथ भी आर्थिक परिस्थितियां बेहद खराब है, आइए बात कर लीजिए। सहारा इंडिया परिवार ने भुगतान के लिए कभी भी नहीं हाथ हटाया है, पूरे हिंदुस्तान पर के लिए मैं दावा करता हूं और आपको भी दावा कर रहा हूं। 1978 से लेकर टिल नाउ आज भी भुगतान करने की स्थिति में सहारा इंडिया परिवार है, अपने कार्यालय को खोल के। अब आपको तो मैं, आप लोगों को तो हजारों बार हम लोगों ने बताया, अरे भैया हिंदुस्तान में हजारों हजार कंपनियां चली गई, जिस तरह से आप फावड़ा लेके, जिस तरह से फावड़ा लेके आप गड्ढा खोद रहे हैं सहारा इंडिया के लिए और यूट्यूब के लिए रिसर्च करने का कोशिश कर रहे हैं, एक बार कोशिश कीजिए ना। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जी, उनके भी हजारों हजार डिपॉजिटर हैं, उनके ऊपर शोध करके सरकार को जगा दीजिए। अगर सच्चे यूट्यूबर हैं, आपके अंदर अगर जो क्वालिटी है, तो ऐसी संस्था जो आज नहीं है, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, ना कागज में ना धरा पर, उनके ऊपर बना लीजिए और एक ऐसा अभियान चलाइए पूरे हिंदुस्तान में, जैसे आपका अभियान चल रहा है उसी तरह का कुछ अभियान में और बता रहा हूं। फरवरी महीना 2023 स्थान सहारा। बंधु, आपने ये छोटी सी वीडियो का क्लिप तो देख ही लिया होगा। वीडियो का क्लिप काफी लंबा था, लेकिन हमने जो मेन था उसको दिखाने का प्रयास किया, तो इससे आपको कुछ न कुछ समझ में जरूर आया होगा। जो कुछ भी समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सीधा। और दोस्तों, वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप सभी को ये रिट और PIL के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को दिखा दें, इसीलिए हमने सोचा आज के इस वीडियो में यही दिखा देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि वीडियो पसंद आई हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय जवान, जय किसान।